welcome back to my channel. I hope you all are doing great. But today we are going to visit Rhode Island. It's one of the 6 states in New England region. And we are going to visit today Newport, which is in Rhode Island. And it's a very attractive tourist place in summer. This is around 2 hours from our place. It's a kind of a coastal city. So hope we'll have lots of fun together. Oh, please watch this vlog till the end. Let's go. टिकट परचेस करने के लिए तो अभी हम टिकट लेते हैं। मेंशन में आ गए हैं और मेंशन के एंट्री करने के पहले ही आपको ऐसे ये फर्स्ट फ्लोर में एक बहुत ही बड़ा सा हॉल दिखेगा जहाँ पे ऐसे बहुत खूबसूरत सा शैंडेलियर है। डाइनिंग रूम ग्रेट हॉल के राइट साइड से आके ये जगह मिलता है। दिस इज ऑल्सो इन द फर्स्ट फ्लोर एंड द रिच मटेरियल्स ऑर्नामेंट वेयर एवरीथिंग आर लुकिंग सो ग्रैंड एंड रॉयल। अभी हम लोग आ गए हैं मॉर्निंग रूम पे। सो दिस इज़ द मॉर्निंग रूम ऑफ वेंडरविल्स। सो दिस मॉर्निंग रूम सेलिब्रेट्स द स्टाइल ऑफ द ग्रेट पैलेसेस ऑफ फ्रेंच एंड इटली एंड दिस इज़ ऑल्सो इन द फर्स्ट फ्लोर। आर्किटेक्चर है जो कि देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग है। दिस रूम्स ओपन इंटीरियर वाज यूज्ड मेनली फॉर रेसाइटल्स एंड डांसेस। और ये म्यूजिक रूम का जो मिरर्स है द क्रिस्टल्स दैट आर हैंगिंग फ्रॉम लाइट ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्पार्कलिंग सा रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। दिस इज
इज़ जस्ट वंडरफुल, बहुत ही अच्छा है। द आर्किटेक्चर, द डिज़ाइन, एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग। इतना अच्छा ब्यूटीफुल मिरर होगा तो सजने का तो और भी मन करेगा। गए हैं और सेकंड फ्लोर में होता था उन लोग द वेंडरविल फैमिली, जो लोग इधर रहते थे उन लोगों का रूम। तो बेसिकली नाउ वी विल एक्सप्लोर द ऑल फैमिली मेंबर्स रूम इन द सेकंड फ्लोर। आगे है किचन पे एंड दिस किचन विल गिव यू सच अ रॉयल फीलिंग, दिस इज अमेजिंग। तो ये जो किचन है दैट इज ऑल्सो इन द फर्स्ट फ्लोर, बट ये मेन बिल्डिंग से दूर है थोड़ा सा, ताकि कोई कुछ बर्निंग का कुछ रिस्क और कुकिंग स्मेल ताकि ना आए मेन बिल्डिंग तक। तो ये मेन बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर है, बट इट्स ऑल्सो कनेक्टेड ऑब्वियसली विद द बेकर्स मेन बिल्डिंग। बट ये किचन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर कहा जाता है कि अराउंड 100 सर्वेंट काम करता था। All are the cast iron, coal and wood burning stoves you will see here. So this place is upper loggia, and it known that the Vanderbilt used is as an open air living room. I mean, really wow. So we just can sit here and enjoy the view, gorgeous. So अभी हम लोग बाहर आ गए हैं mansion से, and there was so much history to know. बहुत अच्छा लगा, the architecture designs was so amazing. एडल्ट टिकट्स दैट वी डिड परचेस, तो उसमें आप मेंशन के अंदर जा सकते हैं, उधर देख सकते हैं। और कुछ कुछ टिकट्स था जहाँ पर 1 property, 2 property करके था, तो दैट्स विल अलाउ यू टू ओनली विजिट द 1 property or 2 property अकॉर्डिंग द टिकट प्राइस। तो या दैट्स दैट टिकट्स इंफॉर्मेशन। अभी ये गार्डन्स आप लोग देखो, बहुत ही पिक्चर परफेक्ट एंड वीडियो परफेक्ट डे है। इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है। तो बिल्डिंग के ये साइड आपको दिखेगा पीछे से, मींस फ्रॉम द गार्डन साइड यू विल सी द ब्रेकर्स बिल्डिंग का ये साइड। ये पूरा मैंशन एंड द प्लेस आउटसाइड एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटिफुल। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग शायद लंच के लिए जाएंगे। यस, आई एम हंग्री।
एंड अभी लंच करने के लिए चलते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लेस में जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भूख लगा है अभी, क्योंकि अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 2:40। अभी हम लोग खाना खा के निकल गए हैं रेस्टोरेंट से। फूड वॉज डिलीशियस, बहुत ही यम्मी था, इसलिए मैंने अपने लिपस्टिक भी खा गई खाने के साथ साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्लिप वॉक, जो कि और एक खूबसूरत सा डेस्टिनेशन है जो हमने रिसर्च किया इंटरनेट पे देख के। तो लेट्स सी एंड वी विल एक्सप्लोर दैट। पहुँच गए हैं क्लिप वॉक। दिस इज अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन न्यूपोर्ट एरिया, एंड दिस क्लिप वॉक इज अ वॉक अवे व्हिच फॉलोज क्लोज टू द एज ऑफ द क्लिप। अभी हम लोगों का 1.5 आवर हो गया है क्लिप वॉक में, तो हमें इतना ही टाइम लगा पूरा ये क्लिप वॉक वॉक करने में, क्योंकि एक्चुअली एक और भी साइड है जो अभी कंस्ट्रक्शन के लिए बंद है। तो आई फॉरगेट द नेम वेयर वी स्टार्टेड द क्लिप वॉक, बट बहुत ही अच्छा लगा ये जगह में भी। हमने थोड़ी देर रुका भी इधर बैठे, डाउनटाउन में है। द स्ट्रीट नेम इज़ थेमस स्ट्रीट, बट अभी इधर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल था, तो अर्घो एक्चुअली वेंट समवेयर टू सर्च फॉर पार्किंग, बट मैंने बोला उसको कि पार्किंग शायद नहीं मिलेगा, तो मैं जाके फ्रिज बैगर एटलीस्ट ले लेती हूँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे सनसेट देखने के लिए व्हाइट कैसल लाइट हाउस। तो हम जाने वाले थे व्हाइट कैसल लाइट हाउस, बट बीच में हमें रास्ते में ये जगह देखा, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अर्घो को बोला कि थोड़ी देर रुक के पिक्चर लेते हैं और वीडियो करते हैं। Isn't this beautiful? Yeah, really good. Yeah, very nice place to sit down and relax. तो ये जो सारे आपको बोट्स दिख रहे हैं, दिस आर मेनली सेलिंग बोट्स, एंड बिल्कुल जहाँ पे मैं अपना फिंगर दिखा रही हूँ उधर एक जो ब्रिज दिख रहा है आपको, दिस इज न्यूपोर्ट ब्रिज। ऐसे एक जगह है जहाँ से हमको जाना है लाइट हाउस तक, तो ये है व्हाइट कैसल लाइट हाउस, जो कि हम ढूंढ रहे थे कहाँ पे अच्छा जगह मिले जहाँ पे सनसेट ज़्यादा अच्छे दिख सकता है। तो हमने थोड़ा और भी जाके आए, तो इधर हमें सनसेट के लिए बहुत अच्छा स्पॉट मिला, तो हमने फिर सोचा कि इधर ही कुछ देर बैठते हैं और सनसेट देखते हैं, सनसेट इन्जॉय करते हैं।
forward. So calm and so beautiful. So nice place. मुझे बहुत अच्छा लगा. Sunset के लिए बहुत अच्छा है. Although sunset हमने आज इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाए क्योंकि आज बहुत cloudy weather है. But फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये जगह. तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा गाड़ी लेने पार्किंग तक. जाने के लिए रास्ता इतना अंधेरा हो गया क्योंकि अभी 8 बज गया है. इधर थोड़ा थोड़ा लाइट है बट अभी हम लोग ये क्रॉस करके आए. देखा, देखो ये इतने ज़्यादा अंधेरा था. सो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था मुझे. तो अभी मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ. ऑलमोस्ट आफ्टर 2 आवर्स लेटर 8:15 PM तक हमने स्टार्ट किया था. तो बीच में हमने रास्ते में डिनर भी किया और अभी घर पहुँचने में आधा घंटा बाकी है. तो मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ. दिस गोना बी आवर लास्ट समर ट्रिप इन दिस ईयर. या डेफिनेटली वी विल विजिट इन फॉल विंटर ऑल ऑफ दैट. बट समर ट्रिप मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट होगा. बिकॉज हाँ समर इज ऑलमोस्ट ओवर इन दिस एरिया. अक्टूबर तक पूरा ठंड, पूरा नहीं थोड़ा बहुत ठंड आ जाता है. तो या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग. आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई